सोलन शहर में आजकल कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। शहर के हर क्षेत्र में कुत्ते, आवारा कुत्ते घूमते नजर आते हैं। इन कुत्तों की वजह से कई बार शहरवासी घायल भी हो चुके हैं। यही कारण है कि कुत्तों के कारण लोग अब दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि आजकल सुबह देर से होती है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, और ऐसे अंधेरे में कुत्तों का राज चलता है। शहरवासी बच्चों को सुनसान इलाकों में कुत्तों के डर से नहीं भेज रहे हैं। यही कारण है कि शहरवासी गलियों से निकलने के लिए भी कुत्तों के डर से कतरा रहे हैं। सोलन शहर में आजकल कुत्तों का आतंक बढ़ चुका है। शहर के हर क्षेत्र में आवारा कुत्ते घूमते नजर आ सकते हैं। इन कुत्तों की वजह से कई शहरवासी घायल भी हो चुके हैं। यही कारण है कि कुत्तों के कारण लोग अब दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि आजकल सुबह देर से होती है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, और इस अंधेरे में कुत्तों का राज चलता है। शहरवासी बच्चों को सुनसान क्षेत्रों में कुत्तों के डर से नहीं भेज रहे हैं। यही नहीं, शहरवासी गलियों से निकलने के लिए भी कुत्तों के डर से कतरा रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि बढ़ती संख्या के कारण ये चिंता और गहरा गई है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन सोलन शहर में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। आने जाने वाले लोगों को कुत्ते काट भी रहे हैं। शहर में चारों तरफ कुत्तों की गंदगी फैली हुई है। शहर में इनकी वजह से दहशत का माहौल है। ये ज्यादातर झुंडों में रहते हैं और अंधेरों में लोगों का पीछा भी करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बच्चों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। रात के समय अगर आपातकाल में घर से निकलना पड़ता है तो वे कुत्तों के डर से नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए नगर परिषद को चाहिए कि कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करें और सोलन शहरवासियों को सुरक्षा प्रदान करें। आजकल हमारे को कुत्ते बहुत तंग कर रहे हैं। रात को निकलना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे है कि मतलब हम किसी काम से जा रहे हैं बाहर, तो बाहर कुत्ते रोक लेते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, तो इस करके हम लेट हो जाते हैं, काम पर टाइम से पहुंच नहीं पाते। इन कुत्तों को या तो दवाई देकर ख़त्म करने देना चाहिए, या फिर इनको किसी इसमें डालो जाके मतलब जनता के ऊपर हमला ना कर सके। पागल कुत्ते हैं ना जी, पागल कुत्ते एक तो एकदम पड़ जाते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। कोई पता नहीं लगता भाई कुत्ता पागल है कि नहीं है पागल। जो शहर में आवारा कुत्ते और जो लोगों ने कुछ पाले हुए भी हैं, वो भी सुबह सुबह कई बार छोड़ देते हैं। मॉर्निंग वॉक करने भी जाते हैं तब भी ये कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। हमारा मॉर्निंग वॉक करना भी मुश्किल हो गया हुआ है, और सब जब हम सुबह दुकानों में आते हैं तब भी सारा गंद पड़ा होता है। ये कुत्ते पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या गंद लाते हैं। हमारा जैसे कुत्ते ये इसको कंट्रोल में करना चाहिए। जैसा कि हमारे देखने में आ रहा है कुत्तों का बहुत प्रकोप हो रहा है हमारे शहर में और गलियों में। सुबह भी हमें निकलना मुश्किल हो रहा है और ये काटने के लिए पड़ रहे हैं। आजकल कुत्तों के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कुत्तों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि उससे हर किसी को परेशानी है। लड़कियाँ और बच्चे तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, उनके उनके जो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो बच्चे पूरी तरह से घायल भी होते हैं। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।